बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। अब भारत में राष्ट्रवाद, हमने इसके पहले देखा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कैसे उन्होंने अपना लोकतंत्र बनाया, उस तरह से गणतंत्र बनाया, वैसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा कि हमने देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही जो था उसमें राज्यों का भी उदय हुआ था। मतलब उस समय जो यूरोप जो था वह एक महाद्वीप के रूप में था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे राज्य में स्थापित हुआ था। हमने उसमें भी देखा था कि वे 7 भागों में था, फिर उसके बाद उनको राज्यों का रूप दिया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब यहाँ पर वे कौन है, उनकी पहचान किस बात पे परिभाषित होती है, इस तरह की भावना बदल गई। मतलब हमारे में ये भावना आ गई थी, हम कौन है, क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, इस तरह से वहाँ पर नए गीतों के विचारों के नए संपर्क में आए, दोबारा परिभाषित किया गया और ज्यादातर इस तरह के लोगों में फिर क्या हुआ, चेतना पैदा हुई। फिर दूसरे उपनिवेशों के जरिए भी भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय को परिघटना उपनिवेश होना शुरू हो गया था। वहाँ पर औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान आगामी एकता को पहचानने लगे थे और साथ ही साथ जो उत्पीड़न और दमन जो था उसका साझा भाव था, क्योंकि जो परेशानी उन लोगों को थी वही परेशानी उनको थी। सिर्फ एक भाषा ही नहीं समझते थे, लेकिन भाव और उत्पीड़न जो थी वह एक सा ही था। इस तरह से जो भाव था और जो दमन था वह विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया था। मतलब सबकी समस्याएं एक सी थी, लेकिन वे बता नहीं पा रहे थे। तो इसमें हर वर्ग और हर समूह के उपनिवेशवाद के असर का जैसा नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में समूह इकट्ठा करके विशाल आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया था। इस तरह से एकता के टकराव के कुछ बिंदु भी नहीं थे। पहले एक और पुस्तक में भी अपने भारत के राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, लेकिन 20वीं सदी के पहले जो दशक था उसमें एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें कि हम 1920 के दशक में आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन विकसित करने के लिए किस तरह से प्रयास किए गए, इस आंदोलन में सामाजिक समूह किस तरह से हिस्सा लिया, इस सब भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए, पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन। जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ और फिर असहयोग आंदोलन हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय अंग्रेजों ने कुछ वादा किया था कि हम जो है आपको स्वतंत्र राज्य देंगे या आपको स्वतंत्र कर देंगे, आपको ये अधिकार दिए जाएंगे, इस तरह से उन्होंने वादा किया था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने उस वादा के दावे को किया तो उसमें जब ये जो नए सामाजिक समूह जो आए थे, राष्ट्रीय आंदोलन जब हुए तो नए सामाजिक समूह भी शामिल हो गए थे, वर्ग के संघर्ष की जो नई पद्धतियां थी वह भी सामने आने लगी थी। और इसके साथ साथ सबसे पहली बात यह थी कि विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण जो था रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था, खर्च में भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए थे और सीमा शुल्क भी बढ़ा दिए गए थे, और इस तरह के दौरान जो है कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी भी हुई थी। 1913 और 18 के बीच में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी थी और सिपाहियों की भी जबरन उस समय भर्ती किया गया था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। फिर यहाँ पर फ्लू की महामारी ही जब फैली थी तो उस समय भी खाद्य पदार्थ के अभाव में था, अकाल पड़ा हुआ था, फ्लू जैसे महामारी फैली हुई थी, उसमें भी महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। वहां पर भी अंग्रेजों ने किसी तरह से ध्यान नहीं दिया था। फिर यहाँ पर देखेंगे कि मुसीबतें कम नहीं हुई थी यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता भी सामने आया जो संघर्ष का एक नया ढंग और नया तरीका भी पेश किया था। फिर सत्याग्रह का विचार किस तरह से आया, वहां पर जो खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब ये था कि हमको अंग्रेजों को किसी तरह से उनको मदद नहीं करना है, तो असहयोग से ही समझ में आ रहा है। ध्यान देखेंगे सत्याग्रह का विचार, जब महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक नए तरह की जन आंदोलन को रास्ते में चलते हुए देखा और नस्लवादी सरकार ने सफलतापूर्वक लोहा लिया था। मतलब ये चीज जो है मैं अफ्रीका में भी वकील और वकालत करने गए थे उस समय ये वहाँ पर उपयोग कर चुके थे, इस तरह से सफलतापूर्वक उन्होंने लोहा लिया था। वही चीज उन्होंने यहाँ पर आ गया, इसका अर्थ यह था कि आपका उद्देश्य सच्चा है, आप संघर्ष और अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए किसी भी तरह से शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रतिशोध की भावना और आक्रामकता का सहारा लिया जा सकता है। तो वहां पर उन्होंने सिर्फ सत्य नहीं, केवल अहिंसा के सहारे उन्होंने संघर्ष को सफलता
सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही उनको सफलता मिली थी, और इस तरह से वे उन्होंने दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ दिया था और उत्पीड़न से शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को भी हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश किया और सच्चाई को देखने के लिए सहज भाव से स्वीकार करने के लिए कहा। इस तरह से अहिंसा यह धर्म और सभी भारतीयों में एकता के सूत्र में उन्होंने बांध लिया। फिर भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किया। 1917 में भी बिहार में चंपारण इलाके में उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर फिर दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ भी किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। फिर गुजरात में खेड़ा जिले में भी उन्होंने किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। इस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जो है कई जगह उन्होंने किया, और 1918 में सूती कारखानों में मजदूरों के बीच जो सत्याग्रह आंदोलन चलाने की बात मान लिए उन्होंने कहाँ पहुंचे, अहमदाबाद पहुंचे थे। उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट, इस कामयाबी में उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित जो रॉलेट एक्ट था उसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया, क्योंकि भारतीय सदस्यों को भारी विरोध के बावजूद कानून की इंपोर्टेंट ने बहुत जल्दबाजी में से पारित कर दिया था। इसमें सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए केस चलाए उनको जेल में बंद करने का अधिकार दिया गया था। इस तरह से गांधी जी ने अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा आंदोलन चाहते थे, और 6 अप्रैल को एक हड़ताल भी उन्होंने शुरू कर दिया। यह विभिन्न शहरों में जुलूसों का आयोजन किया गया, वर्कशॉप में दुकानें बंद की गई। असहयोग आंदोलन में ये था कि हमने सहयोग नहीं करना है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये था कि हमें विनयपूर्वक उनको उनकी ही कानूनों का उल्लंघन करना। इस तरह से जब रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई, व्यापक जन प्रभाव हुआ। इस तरह से रेलवे टेलीग्राम जैसी संचार सुविधाएं भी भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया था, और अमृतसर में सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण ढंग से जो जुलूस चल रही थी उस पर गोली चला दी, जिसमें कि कई लोग बैंक हड़ताल और स्टेशन हमले करने लगे और लागू कर दिया गया। 13 अप्रैल को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में जमा हुए थे, और वहां पर काफी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का भी विरोध कर रहे थे। इस तरह से यह जो मैदान था वह चारों तरफ से बंद था, और वहां पर बाहर होने के कारण कई लोग जुटे हुए थे और मार्शल लॉ लागू किया जा चुका था, और इस तरह से हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा जनरल डायर, और उसने मैदान के बाहर से निकलने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया और सिपाहियों की भीड़ में अंधाधुंध गोलियां उन्होंने चला दी थी। इस तरह से सत्याग्रह जहन में दर्शक विस्मय का भाव पैदा करते हुए नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे, ताकि क्रांतिकारी जो थे वह किसी तरह से क्रांति ना करें। फिर हम देखेंगे यहाँ पर असहयोग ही क्यों। उन्हें मालूम था कि मुट्ठी भर जो अंग्रेज थे यहाँ पर व्यापार करने आए थे और वे यहाँ पर शासन कर रहे हैं, हम यदि उनका सहयोग नहीं करेंगे तो वो किसी भी तरह से शासन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भारतीयों को सिर्फ उतना ही शिक्षा दिया था ताकि उनके ऑफिशियल वर्क जो ऑफिस का कार्य है, लिखा पढ़ी का कार्य है, वह कर सके, उसके अलावा कुछ ना कर सके। तो इस तरह से जब अपने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और इसी के सहयोग के कारण वह चल पा रहा है, मतलब यहाँ पर जो शासन स्थापित हुआ था भारतीयों के सहयोग से हुआ था, क्योंकि उस समय कुछ भारतीय ही थे जो अंग्रेजों का मदद किए शासन स्थापित करने में, क्योंकि एक राजा दूसरे के विद्रोह खड़ा हुआ था, उसी का फायदा उन्होंने उठाया और फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अपनाई, और एक राजा को वे मदद करते थे, दूसरे से लड़वाते थे। इस तरह से भारतीयों के सहयोग से ही उन्होंने शासन किया था और उन्हीं के सहयोग से ही ये शासन चल रहा था। फिर असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था, गांधी जी का सुझाव था कि चरणबद्ध तरीके से, जैसे कि सेना, पुलिस, अदालतों, विधायक, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियां, इन सब का हमको क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना, और उसके साथ साथ सरकार दमन रास्ता यदि अपनाती है तो सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू कर सकते हैं। 1920 में गर्मियों गांधी जी ने शौकत अली आंदोलन से समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं करते थे। फिर कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग प्रस्ताव आशंकित थे, वे 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करके हिचकिचा रहे थे, और कांग्रेस में भारी खींचतान चल रही थी। इस तरह से आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों की सहमति नहीं बन पा रही थी, और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में
दिसंबर 1920 में कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में यह समझौता हुआ कि असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति मोहर लगा दी गई थी और आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ाया जाए या किस तरह से लोगों को हिस्सा लिया, इस समूह को विचार किस तरह से हम समझ सकते हैं। फिर आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 जब शुरू हुआ था तो विभिन्न सामाजिक समूह में हिस्सा था जिसमें हर एक अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, मतलब जितने भी लोग थे सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। फिर शहरों में आंदोलन की शुरुआत भी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी और विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, वकीलों ने मुकदमे लड़ना छोड़ दिया था, मद्रास के अलावा प्रांतों में परिषद चुनावों को बहिष्कार किया गया। जस्टिस पार्टी जो थी उन्होंने मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए ही उन्हें अधिकार मिल सकता है, इसलिए पार्टी के चुनावों का उन्होंने क्या किया, बहिष्कार नहीं किया। उस कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा और कई कारण से खादी कपड़ा मिलों भारी पैमाने कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था, इसलिए लोग खरीद नहीं सकते थे और लंबे समय तक इसका बहिष्कार कैसे सह सकते थे, यह सारी चीजें उसमें देखा गया था। फिर इसके बाद वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया भी बहुत धीमी थी जिसके कारण कि विद्यार्थी शिक्षक सरकारी स्कूल में लौटने लगे थे और वकीलों ने दोबारा सरकारी अदालतों में शुरू कर दिया था। इस तरह से हम देखेंगे कि जब हम आंदोलन के भीतर जो अलग अलग जो धारणाएं थी वह उन सब परिस्थितियों से लड़ना और उन सबसे सीखना चाह रहे थे ताकि जिससे कि वे उस पर अमल कर सकें।